फिल्म की शुरुआत फिन उसकी लिव इन गर्लफ्रेंड कैली और जिगरी दोस्त जैस्पर से होती है। फिन इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का मैनेजर होता है और एक पैशनेट पेंटर भी, और उसे पिछले कई दिनों से कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा कोई मास्टरपीस तैयार करने के लिए। इसके लिए उसके और कैली के बीच की लव केमिस्ट्री कम होती जा रही है। वही जैस्पर दिखने में हैंडसम पर उसे गैम्बलिंग की लत लग गई होती है, जिसमें वो अब तक हारते आया है। इसी कॉम्प्लेक्स में टेनेंट मिस्टर बी भी रहते हैं, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से अपना रेंट पे नहीं किया होता है, इसलिए कैली उन्हें रिमाइंड करने के लिए उनके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है। पर कैली को आंगन पर कई अनअटेंडेड न्यूज़पेपर्स मिलते हैं और बेल मारने पर भी कोई जवाब नहीं आता। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, इसलिए कैली मास्टर की मदद से उनके अपार्टमेंट में प्रवेश कर जाती है, पर उनका कोई अता पता नहीं चलता। पर तभी कैली कई पोलराइड तस्वीर नोटिस करती है जो सारे उनके घर के खिड़की के लिए होते है, और उसे एक अजीब मशीन भी नजर आता है। वो तुरंत बाकी दोनों को खबर करती है और अब उस मशीन को गौर से नोटिस करने पर उन्हें समझ आता है कि ये किसी तरह का अजीब और विशाल कैमरा है जिसका लेंस उनके रूम की खिड़की की तरफ फोकस्ड है, और वो तस्वीर सुबह और रात के समय के हैं। मिस्टर भी किसी कारण से उनकी तस्वीर ले रहे थे, पर उन पोलराइड फोटोज में से कुछ फोटोज मिसिंग नोटिस होते हैं। उनमें से एक तस्वीर में मिस्टर बी ने अजीब साइन बोर्ड पकड़ा होता है, और उसी दौरान उसी मशीन से एक नई तस्वीर निकल कर आती है जो उनके लिविंग रूम का होता है, पर कोट स्टैंड किसी कारण से गिरा नजर आता है। पर जब उन्हें मिस्टर बी की जर्नल मिलती है तो उसे उन्हें एक शॉकिंग जानकारी का पता चलता है कि ये मशीन एक टाइम मशीन कैमरा है जो आज से 24 घंटे बाद अगले दिन की रात के 8 बजे का तस्वीर ले सकता है। इन सिंपल कल रात एग्जैक्ट 8 बजे क्या होगा वो उन्हें एक दिन पहले ही इस मशीन की मदद से पता चल जाएगा। इसी के बेसिस पर उन्हें चमकता है कि जो लेटेस्ट तस्वीर उन्हें उनकी रूम की मिली जहां कोट स्टैंड गिरा हुआ नजर आ रहा है वो अगले दिन की घटने वाली घटना का तस्वीर है। पर तीनों में से कोई भी इस बेतुकी बात पर यकीन नहीं करता। पर जब अगले दिन एग्जैक्ट 8 बजे कैली के हाथों से अनजाने में वही कोट स्टैंड गिर जाता है तो उनकी लिविंग रूम का नक्शा बिल्कुल वैसा नजर आता है जैसा उन्होंने उस तस्वीर में देखा था। वो अब फिर से मिस्टर बी के अपार्टमेंट में जाते हैं, और इस बार जब उन्हें उनके लिए लिविंग रूम का एक और तस्वीर मिलता है तो इससे वो मिस्टर बी की बातों पर यकीन करने लगते हैं कि ये सच में एक टाइम मशीन कैमरा है, क्योंकि अगले दिन सच में उनके अपार्टमेंट में एक पार्टी होने वाली है। मशीन के बारे में और समझने के लिए कैली फिर से मिस्टर बी का जर्नल पढ़ने लगती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि मिस्टर बी ने अपनी मौत एक तस्वीर द्वारा एडवांस में देख ली थी, इसलिए शायद वो डर के मारे कहीं गायब हो गए। पर जब वो उनके खोज में स्टोरेज रूम चेक करते हैं तो उन्हें मिस्टर बी की बुरी तरह से सड़ी हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर वो तीनों भी एकदम घबरा जाते हैं। यानी कि उनके मरने की भविष्यवाणी सही रही, पर परिस्थिति अब ऐसी हो जाती कि अब वो उनके मौत के बारे में पुलिस को खबर करेगी नहीं, क्योंकि इसके कारण भविष्य बताने वाला मशीन उनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए गैम्बलर जैस्पर मिस्टर बी के मौत को ना खबर करने का ही तय करता है, ताकि वो तीनों इस मशीन की मदद से अमीर बन सके। जैस्पर का प्लान दरअसल ऐसा होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आज कोई घोड़ा जीता तो जैस्पर सिंपली उस घोड़े की जानकारी बोर्ड पर लिखकर कैमरा के सामने पोज करेगा, और कैमरा के फ्लैश होते ही वो उसके एक दिन के पीछे के वर्जन को भूतकाल में वो तस्वीर मिलेगी, जिसकी मदद से उसका भूतकाल का वर्जन वो सेम घोड़े पर पैसे लगा के पैसे जीत जाएगा। इसका मतलब कि अगर भूतकाल में वो पैसे जीता तो वही पैसे उसे भविष्य में भी नजर आएंगे, यानी कि इन शॉर्ट भूतकाल को बदलना ताकि उनका भविष्य बदल सके। पर वो ये भी ध्यान देने का तय करते कि उन्हें अपने भविष्य में ज्यादा बदलाव नहीं लाना है, उन्हें वो सारी घटना अच्छे से फॉलो करना है ताकि उनका क्या उस भविष्य के तस्वीर से मैच हो सके, वरना उनका भी हालत मिस्टर बी जैसा होगा। और अब देखते ही देखते टाइम मशीन कैमरा की मदद से तीनों मालामाल हो जाते हैं। ऐसा करते करते कई दिन निकल जाते हैं और वो मिस्टर बी की भी मौत रिपोर्ट नहीं करते। यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी गार्ड बिग जो के भी पूछने पर बहाना करते हैं कि वो छुट्टी पर गए। पर फिर एक दिन उन्हें परेशान करने वाली तस्वीर मिलती है जहाँ जैस्पर और कैली किस करते नजर आते हैं, जब फिन अपने पेंटिंग में बिजी है। अब ये देख कैली और फिन एकदम भड़क जाते हैं, पर वहीं वो होनी को बदलने का जोखिम नहीं ले सकते, उन्हें अगले दिन वैसा ही करना होगा वरना कहीं उनका भी मिस्टर बी जैसा अंजाम ना हो। इसलिए अगले दिन जैसे ही 8 बजता है तीनों मिलकर एग्जैक्टली वही तस्वीर रिक्रिएट करते हैं, पर कैली और जैस्पर कुछ ज्यादा ही देर किस कर जाते हैं, जिसे देख फिन एकदम भड़क जाता है। पर अब उनकी जिंदगी एक भयंकर मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अगली तस्वीर में उन्हें जैस्पर का बुकी इवान नजर आता है जो कि बहुत ही खतरनाक इंसान है। ये देख जैस्पर एकदम घबरा जाता है, कोई क्लू नहीं कि वो उसके घर क्यों दस्तक देने वाला है, इसलिए वो डर
डर के मारे इवान को कॉल करके आज वो बैट नहीं लगाने वाला उसे रिपोर्ट करता है। पर इवान भी कम नहीं होता, उसकी पहले जैस्पर पर नजर बनी हुई थी जिस तरह से वो लगातार बैट जीतते आ रहे हैं। इसलिए वो उसकी जीत का राज पता करने के लिए उसके घर पर अपने साथी मार्कस के साथ दस्तक देता है और तीनों को गन की नोक पर धरने और धमकाने के बाद तीनों भी अपना राज पोपट की तरह उगल देते हैं। अब इवान भी उस अद्भुत मशीन के बारे में सीखने के बाद वो तीनों को अपना वही टैक्टिक यूज करके पोस्ट करने पर मजबूर करता है और जो भी नए तस्वीर निकल कर आते हैं इवान सब अपने पास रख लेता है, जिसकी मदद से अब वो खुद अमीर बनने लगता है। पर वहीं इस दौरान फिन और जैस्पर के संबंध में दरार पड़ने लगती है, क्योंकि फिन को सिर्फ अपने पेंटिंग की पड़ी होती है, क्योंकि उसे उन भविष्य के तस्वीर से अपने भविष्य के वर्जन से पेंटिंग के लिए इंस्पिरेशन मिल रही थी। तीनों की परेशानी कम नहीं होती कि अब बिग जो पुलिस ऑफिसर बन चुका होता है, जिसे अब वो ज्यादा दिन तक गुमराह नहीं कर पाएंगे कि मिस्टर बी की मौत हो गई है, इसलिए उन्हें कैसे भी एडवांस में पता करना होगा कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए अगली बार जैस्पर इवान के साथी को अगला तस्वीर देने से पहले मोबाइल का जुगाड़ करके चोरी से उसे अपने मोबाइल में उतार लेता है। इस तस्वीर में तीनों भी अब भी इवान के कैद में फिन के पेंटिंग कैनवस पर एक खोपड़ी की तस्वीर बनी होती है, जिससे तीनों समझ जाते हैं कि ये जरूर उनके लिए कोई चेतावनी है। इसलिए वो तुरंत घर में रखे सारे हथियार और औजार छिपा देते हैं जो उनके मौत का कारण बन सकता है। पर जब मार्कस नोटिस करता है कि फिन बिग जो एक पुलिस ऑफिसर से बातें कर रहा है, तो इसे मार्कस को कुछ गड़बड़ महसूस होता है, जिसका वो तुरंत इवान को खबर कर देता है। इवान अब एकदम तिलमिलाए उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं होता और उनकी जान लेने की धमकी देता है। पर इससे पहले कि ऐसा हो, चालाक जैस्पर इवान को यह भरोसा दिलाने में सफल हो जाता है कि अगले तस्वीर के अनुसार मार्कस के हाथों उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि शायद मार्कस वो मशीन हड़पना चाहता है। उसके बहकावे में आकर अब जब इवान नई तस्वीर लेने बढ़ता है तो जैस्पर पहले तो मार्कस और फिर इवान की भी जान ले लेता है, क्योंकि उसके अनुसार यही एक चारा था जिंदा रहने का और टाइम मशीन का राज भी बनाए रखने के लिए, और उनके लाश को उसी स्टोरेज में छिपा देता है। इसके तुरंत बाद अब इस खेल में एक नया प्लेयर मिस्टर बी की कलीग डॉक्टर हाईडेकर मिस्टर बी के तलाश में घर पर दस्तक देती है। तीनों भी बहुत बहाना करने की कोशिश करते हैं, पर गन के नोक पर उन्हें मिस्टर बी के कंडीशन के बारे में सब रिवील करना पड़ता है। पर डॉक्टर हाईडेकर उन्हें एक तस्वीर दिखाती है जहां खिड़की पर खून का दाग, एक ग्रीन कॉइल की पेंटिंग और बगल में मिस्टर बी की हैट पड़ी होती है, जिससे मिस्टर बी को लगने लगा था कि उनकी आगे मौत होने वाली है। जो तस्वीर दरअसल अगली रात की है और ये तस्वीर मिस्टर बी ने उन्हें कई दिन पहले दी थी, जिससे एक नया खुलासा होता है कि इस मशीन को ऐसा भी सेट किया जा सकता है जो कई दिन की आगे की भी तस्वीर ले सकता है। सबसे खास बात की डॉक्टर हाईडेकर शेयर करती है कि मिस्टर बी की मौत भविष्य को बदलने के कारण नहीं हुई, बल्कि उनकी लाश को देखकर साफ समझ आ रहा है कि उनकी मौत अनजाने में कॉइल गिर जाने के कारण उससे निकले डेडली गैस के कारण हुई। वहीं तीनों के रियलाइज करने पर कि डॉक्टर हाईडेकर को इतना कुछ पता चल गया है, इसलिए जैस्पर इवान के गन से उनकी भी जान ले लेता है। पर अगली तस्वीर देखकर वो तो और भी चौंक जाते हैं, जहां कैली और जैस्पर मेकआउट करते नजर आते हैं, वहीं फिन शायद अनकॉन्शियस सोफा पर लेटा हुआ होता है। फिन और कैली अब पैरानॉइड होने लगते हैं कि क्या अब उन्हें ये भी करना होगा ताकि वो भविष्यवाणी से छेड़खानी ना करे। फिन ऐसा नहीं होने दे सकता, इसलिए इस इवेंट को अवॉइड करने के लिए जैस्पर के साथ कोई दूसरा रास्ता निकालने के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करता है। पर जैस्पर जो डॉक्टर हाईडेकर के बातों पर यकीन नहीं करता कि मिस्टर बी की मौत उनके ही गलती के कारण हुई, वो अब भी मानता है कि उन्हें भविष्यवाणी से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, इसलिए फिन को नॉकआउट करके उसे स्टोरेज रूम में लॉक कर देता है। पर अगली सुबह किसी तरह कैद से छूटकर उसे मिस्टर बी के जेब से स्टोरेज रूम की चाबी और फिर डॉक्टर हाईडेकर के लाश से वही मिस्टर बी की तस्वीर रिकवर करता है, जिसे फिर से गौर से देखने के बाद उसके दिमाग में एक बड़ा पजल क्लियर होता है कि उस कैनवस पर वो कॉइल बनाने वाला मिस्टर बी की हैट वहां छोड़ना और खिड़की पर खून के दाग वो ही छोड़ेगा, ताकि भूतकाल में मिस्टर बी वो तस्वीर देखकर डर जाए और उनकी मौत स्टोरेज रूम में हो, ताकि भविष्य में उसके भूतकाल के वर्जन को उनके जेब से चाबी मिले आजाद होने के लिए। यानी कि इन शॉर्ट उस तस्वीर का आज दिन है, आज ही के दिन ये तस्वीर ली जाएगी। फिन चाबी की मदद से आजाद होकर और जैस्पर को ब्लैकमेल करने लगता है कि यदि वो नहीं रुका तो वो ये मशीन तोड़ देगा, जिसके कारण दोनों में लंबी हाथापाई हो जाती है और फिन को बचाने के लिए अंत में कैली को जैस्पर की जान लेनी पड़ती है। इसके तुरंत बाद फिन वही तस्वीर अपने कैनवस पर उतारने लगता है। काम खत्म होने के बाद कैली फिन को जबरदस्ती झपकी लेने को कहती है, जो फिन वैसा ही करता
जाता है, पर फिर फिन को कुछ गड़बड़ लगता है और जब वो देखने के लिए लिविंग रूम लौटता है तभी वो कैली को खिड़की पर कुछ नोट पेस्ट करते पकड़ लेता है और उसी वक्त वही कैमरा फ्लैश करता है जिससे एक और खुलासा होता है कि कैमरा हर सुबह के 8 बजे भी एक तस्वीर लेता है जो सीक्रेट कैली को पता थी। फिन तुरंत कैली से जवाब की मांग करता है, कैली जैसे डर के मारे वहीं सुन्न पड़ी होती है पर अंत में उसे मूवी का क्लाइमैक्स रिवील करना पड़ता है। दरअसल फिन की इंस्पिरेशन ना मिलने के कारण जिसके कारण दोनों के रिश्ते के बीच स्पार्क खत्म हो गया था और टाइम मशीन मिलने से पहले ही कैली का इंटरेस्ट जैस्पर पर आ गया था और दोनों कई बार इंटीमेट भी हुए थे जिसका फिन को कोई अंदाजा नहीं था। पर जिस दिन कैली मिस्टर बी के अपार्टमेंट गई थी उस दौरान उसे उसके और जैस्पर के बीच के कई इंटीमेट तस्वीर भी मिले थे और तभी उसे एक तस्वीर भी ऐसा मिला था जो अगले सुबह के 8 बजे लिया गया था जहां उसका भविष्य का वर्जन उसे आगाह कर रहा था उसकी चीटिंग और अगले दिन की 8 बजे के लिए फोटोज को छिपाने के लिए और इसी संदेश के फोटो को छिपाने के लिए ताकि किसी को ना पता चले कि कैमरा भविष्य की सुबह के 8 बजे का भी तस्वीर लेता है। इसलिए कैली ने वो सारे फोटोज अपने पास रख लिए अपने आगे के षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए। उसे हर सुबह 8 बजे उसके भविष्य के वर्जन से एक तस्वीर मिलता था जो उसे गाइड करता था कि आगे उसे क्या करना है। उसे वो पहला 8 बजे का तस्वीर जब मिला था उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा था कि उसे वो कोर्ट स्टैंड गिरानी है, यानी कि कोर्ट स्टैंड अनजाने में नहीं गिरी थी बल्कि कैली ने जानबूझकर गिराई थी और वो किस वाला मोमेंट भी कैली ने जानबूझकर जैस्पर को देर तक किस किया था क्योंकि ऐसा करने के लिए भी उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था अपने भविष्य के वर्जन से। और वहीं जैस्पर और कैली के बीच की इंटीमेट तस्वीर भी भविष्य का नहीं बल्कि उनके मशीन को ढूंढने के पहले का है जिसे उसे भविष्य के फोटो से स्वैप करने के लिए उसके भविष्य के वर्जन ने ही इंस्ट्रक्शन दिया था। भविष्य वाली कैली ने अपने भूतकाल के वर्जन को इसलिए सब करने को कहा क्योंकि फिन की उसके प्रति स्पार्क खत्म सा हो गया था इसलिए वो उन फोटोज और इंटीमेट मोमेंट के जरिए फिन में फिर से जेलेसी का स्पार्क जगाना चाहती थी जो कई हद तक काम भी कर गया। इसलिए फिन कैली के कारण जैस्पर से भिड़ गया और उन दोनों का लॉन्ग किस उससे सहा नहीं गया पर कैली उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा कि उसके इस डेडली खेल के पीछे कितनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए फिन उसके पागलपन से सहमत नहीं होता खास करके जब उसने ये सब होने से पहले ही उससे कई बार चीटिंग की थी। इसलिए वो गुस्से में उस मशीन को नष्ट करने का तय करता है पर कैली ऐसा होने नहीं देती और उसे वहीं शूट कर देती है जिसके खून के छींटे खिड़की पर पड़ जाते हैं जिसे अब तक मिस्टर बी समझ रहे थे कि वो उनके मौत का इशारा है बल्कि वो फिन का निकलता है। कैली को अब भी लगता है कि वो मशीन के मदद से इस घटना को भी बदल सकती है इसलिए उसने बिना हिचक के फिन की जान ले ली। वो तुरंत अपने भूतकाल के वर्जन के लिए एक संदेश छोड़ने का तय करती है कि कुछ भी करके उसे फिन के हाथों पकड़े नहीं जाना है खिड़की पर संदेश छोड़ते दौरान क्योंकि अगर फिन भूतकाल में उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ेगा तो फिन कभी मशीन को नष्ट करने का नहीं सोचेगा और ना ही कैली को उसकी जान लेनी पड़ेगी। यानी कि एक तरह से कैली मरे हुए फिन को जिंदा करने की कोशिश में वो संदेश खिड़की पर पेश करने ही लगती है कि तभी दुर्भाग्य से बिग जो आ जाता है और खिड़की पर खून और कैली को अजीब सा नोट लगाता देख वो शक के बेसिस पर अपार्टमेंट में प्रवेश कर जाता है जहां उसे फिन और जैस्पर की लाश मिलती है। अब इन सब के पीछे सीधा शक उसका कैली पर जाता है इसलिए वो उसे अरेस्ट करके ले जाने लगता है पर कैली एकदम चिल रहती है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके मैसेज की मदद से टाइम रीसेट होकर जल्दी ये सब बदलने वाला है, वो जेल भी नहीं जाएगी और उसका फिन भी लौट आएगा। पर जब बिग जो उसे ले जाने लगता है तब वो नोटिस करती कि उसका लगा हुआ वो नोट गिर गया। वो उसे फिर से लगाना चाहती है पर बिग जो उसे ऐसा करने नहीं देता और जैसे ही एग्जैक्ट 8 बजते हैं वो मशीन पिक्चर परफेक्ट फ्रेम तस्वीर लेता है जो यही तस्वीर मिस्टर बी को भूतकाल में मिलने वाली है जिसके कारण ये सारा खून का खेल अंजाम लेगा और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।